आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सा कलर मिक्स करके कौन कौन सा कलर बनाया जाता है। इस विषय में मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पेंटर दीप आर्ट आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप आर्ट मधुबन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ चार कलर से ही बनाएंगे सभी कलर। तो सबसे पहले हम लेते हैं नीले कलर को और यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से, देख लीजिए। और यहाँ पर भी इसको हम लगा कर छोड़ देते हैं और ब्रश को थोड़ा अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं क्योंकि कलर उसमें मिक्स ना होने पाए। और उसके बाद हम लेते हैं येल्लो कलर, ठीक है, पीला कलर। तो इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं और इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। देखिए, हमारा हरा कलर बन गया। और उसके बाद यहाँ पर हम हरे कलर को लगा देते हैं और यहाँ भी इसको लगाकर छोड़ देते हैं थोड़ा, और ब्रश को थोड़ा सा साफ करते हैं। और फिर पीले कलर को लेते हैं और इस पर यहाँ लगा देते हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारा धानी कलर हो गया है। और उसके बाद हम लेते हैं नीले कलर को, यहाँ पर देखिए नीले कलर को ले लिए हैं और यहाँ पर इसको हम लगाकर छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम लेते हैं वाइट कलर को और इसमें यहाँ पर लगाते हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारा आसमानी कलर बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम चलते हैं अगले कलर की ओर। यदि हमें सिंदूरी बनाना है तो हम लेते हैं यहाँ से येलो कलर, देखिए यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ भी इसको लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से रेड लेते हैं, इसको लगा देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी हमें सिंदूरी कलर बनाना है तो एकदम बराबर मात्रा में पीला और बराबर मात्रा में लाल कलर लेना है, तब हमारा जाकर बनेगा सिंदूरी कलर। तो इसको हम लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा और इसको मिक्स कर देते हैं। ये हमारा सिंदूरी बन गया। यदि हमें फेस कलर बनाना है तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर रेड को और यहाँ लगा देते हैं और इसको यहाँ भी लगाकर छोड़ देते हैं हल्का सा। और उसके बाद हम लेते हैं येलो कलर, येलो कलर यहाँ से लेते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। हल्का सा मिक्स हो गया इसमें और ये पूरा येलो रहेगा, इसको मिक्स कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद हम लेते हैं वाइट कलर, देखिए ये वाइट कलर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारा फेस कलर बन जाएगा इस तरह से। इसमें थोड़ा सा और हम चाहें तो येलो की मात्रा बढ़ा सकते हैं और रेड की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा और ये कलर सुंदर लगने लगेगा इस तरह से। देखिए, ये फेस कलर बनकर तैयार हो गया है। और उसके बाद यदि हमें ब्लैक कलर बनाना है तो हम रेड कलर लेते हैं। सबसे पहले रेड कलर को लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ भी लगा देता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद लेता हूँ डार्क ब्लू और उसको यहाँ पर लगाता हूँ। लगाने के बाद इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारा ब्लैक बनकर तैयार हो